नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा मंजू तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में शेयर किया हुआ था कि जब ये लोग घर से निकले हुए थे और रास्ते का थोड़ा व्यू, तो ये लोग पहुँच चुके हैं। मतलब ये आप लोगों को पता है कि मैं नहीं गई थी, मैंने बता दिया है आप लोगों को, और क्यों नहीं गई थी वो भी रीजन बताया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप क्यों नहीं गई थी। अगर मैं कुछ चीज़ें बता ना पाऊँ यहाँ की क्या कैसे, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करना। मतलब ये समझ लेना कि जब मैं गई नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं देख के बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये लोग पहुँच गए हैं लगभग 12 बजे के आसपास, भरत कुंड पहुँचे हैं। थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में, फर्स्ट बार जाओ तो रास्ते या कहीं जाम वगैरह लग जाता है। तो यहाँ पर ये है भरत कुंड, जहाँ पर भरत जी रहते थे। और ये काफ़ी मतलब हद तक बेटी हमारी बता रही थी डूब गया है जहाँ पर वो रहते थे पानी में। ये देखिए, तो मतलब अब ये है कि जहाँ जाओ तो थोड़ा टहल लो, घूम लो, फिर इसके बाद मेन स्थान पर पहुँचना ही है। सो अम्मा है, सब लोग टहल रहे हैं, इधर बाबू है। बारिश हो रही थी, मतलब हल्की हल्की, और ठंड जो है, मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बिट्टू को मैंने बोला था कि आप जो है अच्छे से रिकॉर्डिंग करना, लेकिन जितना उससे बन पड़ा है सब कुछ अच्छे से ही रिकॉर्डिंग किया। तो चाची इसकी बुला रही कि इधर आ जाओ। सब लोग टहल रहे हैं, अपने अपने दिशा में घूम टहल रहे हैं। ये देखिए कितना मतलब सीढ़ियाँ, ये समझ लीजिए पैर फिसल रहा। अगर आप नहीं संभाल के चल सकते हैं तो फिर गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ का क्या कुछ है, अगर मैं होती तो अच्छी तरीके से आप लोग को समझाती जो है। सो सारी चीज़ों को घुमा फिरा के दिखा रही है। मंदिर यहाँ पर बता रहे थे कि 10,000 मंदिर है अयोध्या में। ये देखिए कुंड है शायद, इसमें लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये चरण पादुका, एक ही पैर तो दिख रहा है, जहाँ पर ऐसा बता रही थी शायद हनुमान जी और भरत जी, भरत जी मिलने, मतलब भरत जी से हनुमान जी मिलने आते थे, यही ऐसा कुछ ही सीन है। अब जो भी है, ये लोग जो बताए हैं, जितना जितना मुझे समझ है उतना मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो एक बात और बता दूँ आप लोगों को, मेरी अम्मा का 4-5 साल से मतलब ये चल रहा था कि मुझे अब मंत्र ले लेना है, गुरु मंत्र, और उनका सपना पूरा हो गया, उनकी सोच पूरी हो गई। जो भी दिन रात, दिन में एक बार जरूर बोलती थी कि अब मुझे दीक्षा दिला दो आप लोग, गुरु मंत्र दिला दो। कुछ दिन हाथ पैर रहते हुए जो है राम का नाम ले ले, नहीं तो जब हाथ पैर ही नहीं रहेगा, अपने हाथ पैर से आदमी नहाए धुले ना, भगवान का नाम ना ले, तो क्या मतलब निकलता है। सो बस अच्छे से देखो, ये लोग कोई वीडियो बना रहा है तो कोई फोटो शूट कर रहा है यहाँ का पूरा। मतलब अब क्या कुछ दिखा रही थी, मुझे तो बहुत कम ही समझ में आ रहा है, लेकिन उसका ये था। ये देखिए भैया जा रहे हैं पानी, शायद कुछ करने लेने के लिए भैया हैं। और ये देखो इधर, हाँ नहलाने के लिए अम्मा को शायद लेके जा रही हैं, या कुछ हाँ नहलाना ही है अम्मा को। तो ये देखिए यहाँ पर नहीं, नहाने का ये स्थान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दर्शन करना है, क्योंकि घर से नहा के गए थे, उसके बाद नहाने का दूसरा स्थान बना हुआ है सरयू नदी में। तो सरयू नदी ही है, लेकिन घाट अलग अलग होता है नहाने धोने का। ये देखिए दो पति पत्नी के जोड़े हैं, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये वाला दृश्य, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए यहाँ पर नंदी ग्राम है, ये हनुमान और भरत जी का मिलन है। तो बस अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इसके बाद इन लोगों का होगा नहाना धोना, कहीं ना कहीं घूम टहल रहे हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पूरा देखिएगा, जो लोग गए होंगे उनको नहीं बताना है। हर पेड़ पौधों पर जय श्री राम लिखा हुआ है, ये देखिए। और कुछ लोग अपना जिनका हो गया है पूजा पाठ, नहाना धोना, कुछ लोग एक दिन पहले जाते हैं तो घूम के टहल के दर्शन करके फिर अच्छे से। ये देखिए खड़ा हूँ जहाँ पर रामचंद्र जी का रखा गया था, लेके आए थे भरत। तो मुझसे अगर कहीं कुछ बताने में गलती हो रही है तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो वहाँ पर भरतकुंड में ये लोग शायद हाथ पैर धुल के और वहाँ से आ गए हैं किसी मंदिर में, ये तो मुझे पता नहीं है कौन सा मंदिर है। और नीचे ऊपर उसका कैमरा चल रहा है, इससे मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, घुमा रही। बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से सजावट हुई है। और मैंने सोचा अगर वॉइस को म्यूट करके मैं ना बोलूँगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए मिलन हो रहा है, लेकिन किन का मिलन है इस चीज़ का मुझे नहीं पता लग रहा है भैया, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जहाँ पर मैं नहीं हूँ तो वहाँ की बात, वहाँ की चीज़ें समझ में कम ही आती हैं। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि पूरा दिखाने में तो आप लोग को पूरा एकदम आधे घंटे पौने घंटे लग जाएंगे, 2 से 4 मिनट कोई देखने वाला है, उससे आगे तो कोई देख नहीं सकता है। चाची उनकी ये देखिए पालना झुला रहे हैं शायद कन्हैया जी को या राम जी को, कुछ समझ में नहीं है मुझे। सो बस
इसके बाद ये लोग नहाएंगे सरयू नदी में, फिर सीधा मिलेंगे आप लोगों को गुरुजी के घर। हमारे गुरुजी जो हैं तो उनसे मिलना समझ लीजिए इन लोगों के लिए बहुत परेशानी भरा था, क्योंकि उनका जो रहना है घर है आवास है थोड़ा बहुत ही अलग गली में है। तो यहाँ पर देखिए कितने रास्ते टेढ़े मेढ़े बने हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए बने रहना, छोड़ के मत जाइएगा आप लोग। अब यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ पर है भारत का प्राचीन मंदिर, क्या कुछ दिखा देती थी बेटी। हाँ अब ये लोग नहाने के लिए जा रहे हैं शायद, तो बस ये पूजा है, अम्मा है और ये देखिए पूरा। आप लोग ऐसे देखते रहिए, मैं क्या ही बताऊँ इसमें, मुझे कुछ तो समझ नहीं है, लेकिन यहाँ का क्या बोलूँ, मतलब दृश्य जो भी है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। बेटी बता रही थी कि वहाँ पर सबके घर बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं जो भी हैं। रिकॉर्डिंग की वजह से बिट्टू पीछे रह जाती, कभी आगे हो जाती, कभी पीछे रहती रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखिए पेड़ पर हर जगह बंदर वगैरह बैठे रहते हैं। भरत गुफा तपोस्थली, यहाँ पर भरत जी तपस्या करते थे जब 14 वर्ष राम जो है वन में रहे थे, तो यहाँ पर वो तपस्या करते थे। और ये देखिए ये लोग बैठे हुए हैं माला फूल सब कुछ लेकर, यानी ये लोग भरत कुंड में ही अभी घूम रहे हैं। अब यहाँ से घूमने के बाद सीधा होगा स्नान इन लोगों का सरयू नदी में। भैया पकड़े हुए हैं अपनी अम्मा को, क्योंकि जो है अब संभालना होता है ना, अम्मा दिन भर बस यही घर पर ही तो रहती हैं, कहीं आना जाना होता नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लगता है। मैं सोचती हूँ काश मैं भी गई होती, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ आप लोगों को पता ही है, बस आगे पीछे। अब ऐसा होता मैं होती तो थोड़ा अलग तरीके, कलिक दरबार है ये, बस वो ऐसे इसलिए बेटी हमारे लिए लेती थी ना, ताकि मैं जान पाऊँ बता पाऊँ कि हाँ कहाँ पर क्या है कैसे है। तो देखो आप लोग पूजा का लुक देख लो, अब देखो ये लोग निकल गए हैं, कितना सुंदर है। मतलब वहाँ पर तो बस अजीब ही फीलिंग आ रही है। पूजा बोल के आई है कि जब मंदिर कंप्लीट बन जाएगा तो हम लोग फिर से आएंगे। सो देखिए कब चलते हैं, कब मिलना होता है भगवान जी से हमारा भी। यहाँ पर पिताजी, पूजा है, बाबू, अम्मा सब लोग हैं, भैया आगे पीछे, मतलब बस स्वानी बेचारी का तो कैमरा ही चलता रहता। मैंने इसको बोला कभी फ्रंट कैमरे में, डरती भी है ना, ये भी चाचा ना डांटने लगे या बाबा ना कुछ कहने लगे, तो ये नहीं था। मैंने बोला था जो भी हो रिकॉर्ड कर लेना, बाकी ज़्यादा परेशान मत होना, जो भी रहेगा वो मैं दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे दर्शक समझेंगे कि मैं नहीं हूँ तो फिर क्या कैसे करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगी हुई थी, लेकिन कल की भीड़ में यानी नौमी पर बहुत ही भीड़ थी, तो पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही थी। देखिए ये वीडियो दसवीं का है, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि दसवीं के दिन ही मामा ने मतलब पकड़े है ये मामा है। यहाँ पर देखिए जहाज लगा हुआ, बता रही थी जहाज में उड़ने का एक लोग का 3,000 रुपया था, 15-20 मिनट उड़ के जो है नीचे आ जाते हैं। तो ये लोग नहीं नहाए, मतलब नहीं ये सब नहीं किए थे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ऐसा लग रहा है कि एकदम कश्मीर की वादी दिख रही है यहाँ पर मुझे तो। और पर्यटक लोग, बाहर के लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पर घूमने, क्योंकि स्थान ही ऐसा विचित्र है कि एक बार आ जाओ तो फिर बार बार आने का मन करेगा आप लोगों का। तो चलिए फिर, कहाँ कहाँ यार घुमा के रखी, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 40 या 50 के बाद गुरु मंत्र ले ही लेना चाहिए। कहते हैं ऐसा कि अगर गुरु मंत्र ना लिया जाए तो शरीर कच्चा ही रह जाता है भगवान के यहाँ। यहाँ पर देखिए जवानों की फोर्स लगी हुई है, और इन लोग का रहना है जो भी डेरा डंडा लगा के रखते हैं, छावनी अपनी बना के रखते हैं, टहलते घूमते रहते हैं। कुछ फौजी भाई हैं, कुछ पुलिस हैं यूपी के, जो भी हैं इसमें तो कुछ नहीं पहचान आ रहा। अब पुलिस बहुत अच्छा लगता है हमारी बेटी को, फोटो वोटो निकालना, उनके साथ रहना, घूमना टहलना। देखिए अभी कहाँ पे आ गए हैं, अभी इन लोग का नहाना धोना नहीं हो पाया है, बस ऐसे ही टहल रहे हैं ये लोग पूरा न भरत कुंड। तो चलिए देखिए, अम्मा को तो चलना ही मुश्किल हो जाता, अब आ गए हैं ये लोग सरयू नदी, अब चल रहे हैं नहाना धोना करने के लिए। यहाँ से सब लोग नहा धो के जाएंगे गुरु जी के घर। देखिए यहाँ पर अब ऐसी ऐसी मड़ई बनी हुई है कि एक हवा ये थोड़ी से पानी में तो बह जाएगी, मतलब थोड़ा सा ये किया हुआ है कि लोग नहा धो के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो चलिए अब सब लोग नहाने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक लगा देते हैं।
हम नहा भाई नहा भाई हाँ अम्मा के साथ अब जब आई इतनी दूरी नहा ना तो साड़ी पर ना बदल कपड़ा ना बदल एवरीवन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग नहा धोकर के पहुँच चुके हैं हमारे गुरु जी के यहाँ जो हमारे पूज्य हैं हमारे दादा बाबा पर दादा। तो यहाँ पर जिन लोग मतलब जो भी फैमिली के लोग मंत्र गुरु मंत्र लेने जाते हैं तो सारे लोगों का पुराना नाम रहता है जो भी आए रहते हैं, तो इसी हिसाब से हमें मालूम रहता है कि हमारे गुरु जी कौन से हैं हमारे दादा पर दादा सबका। तो पिताजी के पिताजी का उनके पिताजी का नाम इनके यहाँ है। सो यहाँ पर गुरु मंत्र लिया जाएगा तो उसकी क्लिप मैं अलग से शेयर करूँगी और ये लोग अब वहाँ पर सारा सब कुछ खा पी के मंत्र ले करके मतलब सारा काम संपन्न करके गुरु जी के यहाँ से लोग बाहर निकल आए हैं घूमने के लिए। अब यहाँ घूमना टहलना इन लोगों का होगा, उसके बाद सीधा घर आएंगे। और घर तो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये लोग पहुँचे थे रात्रि के 9 बजे। तो कुछ चीज़ें हैं जो पुराना ही है, अम्मा देखे सो एवरीवन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब इन लोगों का सारा मतलब घूमना टहलना सब कुछ हो चुका है। लास्ट सीन है, ये है कनक भवन, यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। लेकिन मंदिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। इसके ठीक एक दिन पहले यानी नवमी को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब 7 या 8 लोग मेरी मम्मी संगीता बता रही थी कि डेट हो गए थे, मतलब भीड़ में गिरने पड़ने से कुचल गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दसवीं का है, देखो ये भैया बता रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ का पूरा नज़ारा ही बहुत सुंदर है। मुझे तो पता नहीं कब जाने भगवान बुलाएंगे अपने दरबार में, बहुत सुंदर दृश्य है। तो देखिए कितने लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर सरसों कहते हैं डाली जाएगी तो नीचे गिरने वाली नहीं है। सो आप लोग एक अच्छी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जो चैनल पर नए आते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर अभी लोग वापस ही आ रहे हैं घर पर, इसके बाद आप लोगों को जो है वीडियो मिलेगी पूजा जो भी मेरे घर में हुआ है पर प्रोग्राम। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर ओपन कर देंगे तो आप लोग वीडियो देखोगे नहीं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो ये होगी कि अम्मा जब मंत्र ले रही थी गुरु जी का, तो वो 5 से 7 मिनट की जो वीडियो बनी है उसको मैं अलग से शेयर करूँगी सारी चीजें। तो इसके लिए मैंने इसमें जोड़ा नहीं तो 20-25 मिनट का हो जाता। चलिए फिर मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।